हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट, मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के जनरली सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए और उनको आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। आइए डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव। इस चैप्टर में आपको ना जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, आप जब भी आप क्वेश्चन करें तो फर्स्टली ये ऑब्जर्व करिए कि इंटरवल हमारा इक्वल है या अनइक्वल है। अगर सपोज इंटरवल आपका इक्वल है तो हम इक्वल इंटरवल के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर इंटरवल हमारा अनइक्वल है तो जो हमने अनइक्वल इंटरवल्स के फॉर्मूले डिस्कस किए उन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आपको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव। आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है? 1.5 पर। ठीक है, थ्री डेरिवेटिव्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट देखिएगा, इस क्वेश्चन में पहले आप ऑब्जर्व करो कि इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल। देखिएगा, ये टू दे रखा है, ये 1.5 दे रखा है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, इन दोनों का डिफरेंस 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इंटरवल कैसा आ रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखिएगा वैल्यू किस पॉइंट पर पूछी है, 1.5 पर। तो 1.5 जो वैल्यू है वो हमारा जो ऑब्जर्वेशन यहाँ दे रखा है वो स्टार्टिंग में दे रखा है। देखिए स्टार्टिंग में दे रखा है, तो न्यूटन फॉरवर्ड का यूज़ करें आप। अगर यही इक्वल इंटरवल होता, वैल्यू हमारी लास्ट में लाइक करती, सपोज़ आपसे कहते 3.8 पर कैलकुलेट करिएगा, तो हम न्यूटन बैकवर्ड का यूज़ करते। ठीक है, अगर यही इक्वल इंटरवल्स में आपका वैल्यू सेंटर में लाइक करता है, मिड में लाइक करता है, तो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्मूले, उन फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम किसकी हेल्प से करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि जो वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं वो वैल्यू हमारे बिल्कुल वो वैल्यू स्टार्टिंग में लाइक कर रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट लिखिएगा, टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल। देखिए डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसको x जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं लिखो, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, इस वैल्यू को हमने यहाँ लिखा। ठीक, फिर देखिए y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी है, 3.375, 7.00, 13.625, 24.00, 38.875 एंड 59.00। देखिएगा डेल स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके मिड में लिखेंगे। हाँ, डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में हम प्रीवियस वैल्यू को सेपरेट करके लिखेंगे, उन दोनों के बीच में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमने ना डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब न्यूटन फॉरवर्ड हमें यूज़ करना है, तो वैल्यूज़ को किस तरह से नोट करेंगे आप, जैसे कि ये वैल्यू चाहिए न्यूटन फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग, ये दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, तो ये न्यूटन फॉरवर्ड में वैल्यूज़ को नोट करने का तरीका है। अब आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को लिखिएगा आप। ठीक है, चलिए लिखते हैं, वी हैव न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। ठीक ना, किसके लिए, इक्वल इंटरवल्स के लिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए। ठीक है, देखिएगा y इक्वल्स टू, ये फार्मूला था हमारा, f ऑफ x इक्वल्स टू y नॉट प्लस u डेल y नॉट। ठीक है, प्लस का u माइनस वन अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नॉट। ठीक है, और देखिएगा आपका u माइनस वन
और u माइनस टू अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमने नहीं लिखा क्योंकि ये देखो ये जीरो बन चुका है, लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वो हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि u इक्वल्स टू देखिएगा क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। आप राइट हैंड साइड में देखो ये पूरा जो फंक्शन आ रहा है वो u की टर्म्स में आ रहा है, इधर क्या x में है, तो हम x को भी u की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस एच यू। ठीक है, और देखो ये वैल्यू आपको किस पॉइंट पे निकालनी है, देखा ये भी देख लीजिएगा 1.5। तो एंड हम ना यहाँ पर u की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे, x के प्लेस पर किसकी वैल्यू चाहिए, 1.5। तो x के प्लेस पर हमने 1.5 पुट किया, a मतलब फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 1.5 है। चलिए 1.5 पुट करा, h h इंटरवल आपका कितना है 0.5, तो ये कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ये जो आप x देख रहे हैं इस x के प्लेस पर ये वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, a प्लस एच यू। देखो ये वैल्यू हमने पुट किया y नॉट प्लस u डेल y नॉट, इसका मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा, क्या बचेगा आपका, u स्क्वायर माइनस u अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नॉट। अब इसी तरह से इनकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, इन तीनों फैक्टर्स की। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है, u क्यूब माइनस का 3u स्क्वायर और प्लस 2u, इसका हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट, इसको आप सेकेंड इक्वेशन कह दीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू यू, यू के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो देखिएगा एफ डैश ए प्लस एच यू, यू के रेस्पेक्ट में करें स्टूडेंट तो देखिएगा एच आ जाएगा। ठीक है, और y नॉट का 0, u का 1, डेल y नॉट, अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और देखिएगा डेल स्क्वायर y नॉट, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यू y नॉट, इसे आप थर्ड इक्वेशन कह दीजिएगा। वैसे तो इन्होंने कहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव, अगेन फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू यू, फिर सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपका यहाँ पर एफ डबल डैश ए प्लस एच यू इंटू एच, एक एच और आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखिएगा डेल वाई नॉट का डिफरेंशिएट 0, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 माइनस 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर वाई नॉट, इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 6u माइनस 6 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट, इसे आप फोर्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। ये तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया, एक बार डिफरेंशिएट और कर लीजिएगा, ऑल्सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट यू, फिर इसको यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें आप, देखिए एफ डबल डैश a प्लस एच यू, फिर एच यू का करेंगे एक h और आएगा तो ये कितना हो जाएगा h क्यूब। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये डिफरेंशिएट 0 क्योंकि u नहीं आ रहा है। अब आप देखिए u ये आ रहा है आपका 6 अपॉन क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल, आगे का टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा स्टूडेंट हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम करते हैं, आ जाइएगा इक्वेशन नंबर लीजिएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आइएगा, देखिएगा ये लिखा हुआ है एफ डैश ए मीन्स कितना है 1.5 और एच आपका 0.5 और यू, यू आपने कैलकुलेट कर रखा है, देखिएगा स्टूडेंट ये यू, यू की वैल्यू कितना है आपका 0, अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप देखिएगा एच, एच के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप 0.5। ठीक, तो अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर डेल वाई नॉट आ रहा है, तो देख रहे हैं डेल वाई नॉट की वैल्यू कितना है, यहाँ इस वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं 3.625। ठीक है, आगे देखिएगा प्लस का 2 यू, यू की वैल्यू कितना है आपका 0
माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये वैल्यू आपकी कितनी है? थ्री। फिर देखो यू, यू की वैल्यू कितना है आपका? ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस टू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट, ये वैल्यू देखो कितनी है आपकी? 0.750, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो 0.5 एफ डैश 1.5 3.625, ठीक है ये तो ज़ीरो हो गया। माइनस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1.5। ठीक है अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। प्लस 0.750 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो स्टूडेंट ये आ रहा है आपका 0.2500। ठीक है अब इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, ये आपका f डैश 1.5 मीन्स dy अपॉन dx, इसको हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1.5 पर। तो देखिएगा स्टूडेंट ये वैल्यू कितना आ रहा है? 4.7500। ठीक है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमने x इक्वल्स टू 1.5 पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा इक्वेशन नंबर 4th से आएगा। ठीक है अब इक्वेशन नंबर 4th को देखिएगा आप लोग, तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th। तो आप लोग देख रहे हैं f डबल डैश, a मीन्स कितना है 1.5, ठीक, और u की वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास? 0, तो ये 0 हो गया। h मीन्स कितना है? 0.5 का स्क्वायर। ठीक है तो देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये कितना आ रहा है? डेल स्क्वायर वाई नॉट, तो ये वैल्यू देखो कितना है? 3.00। और आगे देखिएगा आप u, u की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 6 और 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया आपका? 6। ठीक है और डेल क्यू वाई नॉट, ये वैल्यू देखिएगा कितना है? 0.7500, 6 से 6 कैंसिल, तो ये देखिएगा कितना बचेगा आपका? 3 और प्लस माइनस माइनस 0.750। ठीक है अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू f डबल डैश 1.5, तो ये कितना आ रहा है? 2.2500 और 0.5 का स्क्वायर। ठीक है 2.2500 पॉइंट, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 0.2500। तो स्टूडेंट देखिएगा 2.2500 डिवाइडेड बाय 0.2500, तो स्टूडेंट देखिएगा कितना आ रहा है? 9। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो वैल्यू आपका, ये जो हमने f डबल डैश 1.5 कैलकुलेट किया है, ये क्या कहा जाएगा आपका? सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है किस पॉइंट पर? 1.5 पर जो आपने कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव्स का है, अभी आपको थर्ड डेरिवेटिव्स और कैलकुलेट करना है। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, अब थर्ड डेरिवेटिव के लिए हम किस इक्वेशन का यूज़ करेंगे? इक्वेशन नंबर 5 का। तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर 5 लीजिएगा आप, देखिएगा f ट्रिपल डैश e प्लस एच यू इंटू एच क्यूब। ठीक है देखिएगा 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब, देख रहे हैं डेल क्यूब ये वैल्यू कितना आ रहा है? 0.750। ठीक 3 फैक्टोरियल ये 6 आपस में कैंसिल हो गया। अब आप देखिएगा f डैश ट्रिपल डैश a मीन्स 1.5 और u का वैल्यू 0 आ रहा था। ठीक है एच क्यूब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7.50, h हमारा देखिएगा कितना है? 0.5 का क्यूब 0.750। ठीक है 0.5 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं, तो स्टूडेंट देखिएगा आएगा 0.1250। ठीक है तो अब आप देखिएगा 0.750 डिवाइडेड बाई 0.1250, तो देख रहे हैं आप f ट्रिपल डैश 1.5 जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे? थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है किस पॉइंट पर फाइंड आउट करा आपने? 1.5 पर। ये कितना वैल्यू निकल कर आ रहा है? 6 निकल कर आ रहा है। ठीक
तो इस तरह से हम स्टूडेंट न्यूमेरिकल हमने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले का यूज़ करके इसका इस फंक्शन का ना थर्ड डेरिवेटिव तक वैल्यू कैलकुलेट किया है। स्टूडेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के ऊपर वेस्ट है। देखिएगा फाइंड द डेरिवेटिव, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर, पॉइंट फोर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट मैंने अभी समझाया था जब भी आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का हो तो फर्स्टली आप ऑब्जर्व करो देखिए इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल। तो आपने देखा पॉइंट वन पॉइंट टू, पॉइंट वन का डिफरेंस पॉइंट वन, इन दोनों में देखिएगा पॉइंट वन, तो इंटरवल कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब आप देखिएगा किस पॉइंट पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है, पॉइंट फोर, पॉइंट फोर इन ऑब्जर्वेशन में सबसे लास्ट में एंड में लाई कर रहा है, इसलिए हम न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें 1.5 जो वैल्यू थी वो हमारे ऑब्जर्वेशन में स्टार्टिंग में लाई कर रहा था, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में लाई करता है तो न्यूटन फॉरवर्ड, और एंड में लाई करता है, लास्ट में लाई करता है तो न्यूटन बैकवर्ड। तो इस क्वेश्चन को हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप डिफरेंस टेबल बनाइएगा, टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिएगा तो x की वैल्यू कितना है आपका, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, y इक्वल्स टू f ऑफ x 1.10517, जो भी वैल्यू है 1.22140, 1.34986, 1.49182। देखिए स्टूडेंट हमने ये न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के लिए डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। स्टूडेंट देखिए न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज को इस तरह से नोट करेंगे न्यूटन बैकवर्ड के लिए, ठीक है। न्यूटन फॉरवर्ड में हम ऊपर से वैल्यू नोट करते हैं, न्यूटन बैकवर्ड में हम डाउनवर्ड से वैल्यू को नोट करते हैं। तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, लिखिएगा वी हैव न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स, किसके लिए, इक्वल इंटरवल्स के लिए। तो देखिएगा y बराबर f ऑफ x, इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे yn, फिर प्लस का u नेवला yn, ठीक है, u u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और नेवला स्क्वायर yn। थर्ड डेरिवेटिव तक, थर्ड डिफरेंस तक जा रहा है तो तीन वैल्यूज़ को लिखिएगा u u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल नेवला क्यू वाई एन। ये हमारा न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर u हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच, ठीक। तो आप देखिएगा किस पॉइंट पर कह रहे हैं, ये पॉइंट फोर, तो देखिएगा पॉइंट फोर रखा माइनस ए प्लस एन एच, देखिए ए है ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस एन एच हमारा लास्ट वैल्यू, लास्ट ये भी कितना है आपका 0.4, ठीक। इंटरवल h देखिएगा कितना है आपका 0.1। तो स्टूडेंट आपने देखा u की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये पूरा राइट हैंड साइड में जो टर्म आ रहा है वो u की टर्म्स में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, x, तो इस x को भी u की टर्म्स में आप चेंज कर लो। यहाँ से देखिएगा हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, यू एच प्लस का ए प्लस एन एच, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप यहाँ रखिएगा y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो x के प्लेस पर रखो a प्लस एन एच प्लस यू एच, ठीक है, इस तरह से आप चेंज करिए y n प्लस u नेवला y n, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो क्योंकि भाई हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो u स्क्वायर प्लस u अपॉन में 2 फैक्टोरियल नेवला स्क्वायर y n, ठीक है। इसी तरह से इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिएगा इसका आएगा यू स्क्वायर प्लस टू यू प्लस यू थ्री यू प्लस टू, यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यू क्यूब
थ्री यू स्क्वायर प्लस टू यू और अपॉन में थ्री फैक्टोरियल नेवला क्यूब वाई एन ये आ जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव, एक ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसको यू के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू यू, तो यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ए प्लस एन एच यू प्लस यू एच। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम? यू के रेस्पेक्ट। देखो इसका जीरो हो गया, क्या आएगा? एच वाई एन, यू का डिफ्रेंशिएट वन, नेवला वाई एन, तो क्या बचेगा? टू यू प्लस वन और टू फैक्टोरियल नेवला स्क्वायर वाई एन, तो ये क्या बचेगा? थ्री यू स्क्वायर सिक्स यू प्लस टू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल नेवला क्यू वाई एन, ये आ जाएगा आपका। देखिएगा स्टूडेंट, ए प्लस एन एच मीन्स कितना होगा? सबसे लास्ट टर्म कितना है हमारा? 0.4। और यू आपने कितना कैलकुलेट करा? जीरो। ठीक है, ये जीरो आ गया आपका। और मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखो? एच, एच मीन्स कितना? देखिएगा 0.1। नेवला वाई एन, नेवला वाई एन ये वैल्यू देखिएगा, नेवला वाई एन ये वैल्यू कितना है आपका? 0.14196। ठीक है, और u देखो, u आपका 0 आ रहा है, तो 0 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेवला वाई स्क्वायर एन 0.013 50। आगे देखिएगा आप u 0 प्लस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल नेवला, ये देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी? 0.00127 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो आप देखिएगा कितना आएगा? 0.1f-0.4 0.14196 ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा ये आपका है 0.01350 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है आपका 0.0068। ठीक, आगे करते हैं प्लस, देखिएगा 0.00127 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये 6 आ जाएगा 0.0004। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं 0.14196 प्लस का 0.0068 प्लस का 0.0004। तो स्टूडेंट देखिए, देख रहे हैं आप एफ डैश 0.4 और इसको डिवाइड कर दीजिएगा 0.1 से, तो वैल्यू आ जाएगा 1.4916। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने ना 10 डेरिवेटिव मतलब एफ डैश की वैल्यू किस पर, किस पॉइंट पर फाइंड आउट की है? 0.4 पर। डी वाई अपॉन डी एक्स कहलाएगा एक्स इक्वल्स टू 0.4 1.41916। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है स्टूडेंट, तो आप मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इसको कमेंट्स और इस पर कमेंट्स करिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यह है कि जो मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।